स्थानीय सदर अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में उपस्थित मरीजों को स्वास्थ्य जांच कर दवाई वितरण किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है। आज के दिन हम लोग जो समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्ध जन हैं, तो उनको अपनी सेवाएं देते हैं, उनके कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप किया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है। तो इसी संदर्भ में सरकार के आदेशानुसार आज सदर अस्पताल के बाह्य कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह अगले दिनों तक चलेगा। इसमें वृद्धजनों की उनका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप किया जाएगा, जैसे उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उनका ब्लड एग्जामिनेशन और जो उनके नेत्र का एग्जामिनेशन ना, ये सब किया जाएगा। और हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें हर एक वृद्ध को सम्मान देना चाहिए। चौथा नंबर में चार नंबर बजा कर इस समय में ऐसे देखने पड़ी होगा, यहाँ बूढ़ा लोगों को देखेंगे 7 साल से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन डेंटल चेकअप उधर से आएंगे। आज 1 अक्टूबर को हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार की एक स्कीम है NCD कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में NPHCE यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ कंट्रोल ऑफ एल्डरली, ये इसके तहत हम लोगों को वृद्धा लोगों का विशेष ख्याल रखना है। अब तक के जितने भी साइंस में जीरियाट्रिक्स का इम्पोर्टेंस कम रहा है, हम लोग ऐसे पेडियाट्रिक्स होता है बच्चों के लिए, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स होता है औरतों के लिए, लेकिन वृद्धा लोगों का विशेष इलाज के लिए जीरियाट्रिक्स एक मेडिकल साइंस की अलग सब्जेक्ट है और उसी को हम लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि हर वृद्धा लोगों को एज की वजह से जो जो कमियां होती हैं और जो जो बीमारियां होती हैं, उन लोग उस वैसे बीमारी को, वैसे कमजोरी को कैसे हम लोग रोक सके, ताकि हर वृद्धा अपनी जिंदगी आखिरी तक सही ढंग से जी सके, उनको कोई कष्ट ना हो। बहुत सी बीमारियां ऐसी है जो लोग समझते हैं कि उम्र हो गया है इसलिए न परिवार देखता है और न ही है सो मरीज है सो अपना केयर करता है, लेकिन अगर मरीज को और उनके परिवार को पता चल जाए कि ये अस्पताल जा कर के इलाज कराने से ठीक हो जाएगा, तो हमारे वृद्धा का केयर बढ़िया से घर पर भी हो सकता है और
और जहाँ पर जरूरत पड़ेगी अस्पताल में हम डॉक्टर उन लोगों के लिए इलाज के लिए तैयार हैं। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा NCDO यानी NCD मेडिकल ऑफिसर आज है सो हम इस ड्यूटी पर विशेष तौर पर काम कर